माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च सदन का सदस्य बना हूँ और यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में जो लोकतंत्र का है इसमें मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो द एप्रोप्रिएशन बिल 2019 है, जो भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी लेके आई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ। इस बिल को मैं देख रहा था तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जैक्टली 100 ऑफ अकाउंट्स। उसमें मैं सोचा कि दो तीन अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक अकाउंट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को 1,000 करोड़ रुपए एडिशनल एलोकेशन देने की बात है और उसके माध्यम से जो एलपीजी का फ्री गैस कनेक्शन लोगों को मिलेगा। कोई राजनीतिक दल हो या उसके राजनीतिक दल का जब रूल्स बायलॉज बनता है वह लोगों के अपेक्षा के अनुरूप लोगों के कल्याण के लिए बनता है, उसके बाद उसके आधार पर संगठन का विस्तार पार्टियां करती हैं और उसके बाद चुनाव होता है और जनता अगर देखती है कि यह पार्टी लोगों के कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है, उसके लिए काम कर रही है, तो उस पार्टी को चुनती है। और जब वह पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहला उसका एजेंडा होता है कि लोगों का उत्थान, गरीबों का कल्याण। और हमारी पार्टी का भी यही है, जो हमारी पार्टी का दर्शन तो है एकात्म मानववाद, लेकिन लक्ष्य हमारा अंत्योदय है। अंत्योदय मतलब किस प्रकार से समाज के अंतिम सीढ़ी पे बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में खुशहाली है, वह किस प्रकार से खुशहाल हो, उसके जीवन में किस प्रकार से उन्नति आए। और जब मैं इसको देखा कि 1,000 करोड़ रुपए फ्री गैस कनेक्शन के लिए इस में एलोकेशन में, एडिशनल एलोकेशन में रखा गया है, तो देख करके बड़ा मन खुश हुआ कि हम मोदी सरकार जो गरीबों के प्रति समर्पित है, 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिल चुका है, 1,000 करोड़ के माध्यम से और गरीबों को गैस कनेक्शन मिलेगा। यही तो सरकार का शासन करने का एक नजरिया होता है, उद्देश्य भी होता है। मित्रों, यह गरीबों को समर्पित सरकार है और इसमें जब पूरे के पूरे अगर एप्रोप्रिएशन में देखेंगे जो 21,246 जो एडिशनल एलोकेशन की मांग की गई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इसमें बहुत सारे पैसे इसलिए मांगे गए हैं कि जिससे कि गरीबों की जो योजनाएं चल रही हैं, आम जनता की योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो जाए। यह माननीय मोदी सरकार ही है जो गरीबों का एजेंडा सर्वोपरि रखती है। आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को हेल्थ कार्ड मिले, 60 लाख लोगों को हेल्थ कार्ड मिला, 60 लाख लोगों को मिल चुका है, इनका इलाज हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,95,00,000 लगभग मकान बनने वाले हैं, बनने के कगार पे हैं। इसी प्रकार से 14.5 करोड़ किसानों को उनके तक सब्सिडी उनके पीएम किसान योजना के अंतर्गत पैसा पहुंच रहा है। मैं गिनाने को तो बहुत लंबी योजनाएं को गिना सकता हूं और यह सीधे सप्लीमेंट्री बजट से जुड़ा भी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए जो 68 साल में कुछ नहीं किया वह मोदी जी ने 5 साल में गरीबों के लिए काम करके दिखा दिया। दूसरे अकाउंट की मैं बात करता हूं माननीय, इसमें 8,820 करोड़ रुपए, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग टेरिटरी बने तो
तो उस सप्लीमेंट्री बिल में है जो अभी यहाँ पे पेश हुआ है एक ग्रांट में, कि इतना करोड़ रुपए 8,820 करोड़, यह जो 14th फाइनेंस कमीशन ने एलोकेशन किया है, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जाएगा, जाना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना पैसा खर्च हो सरकार कर रही हो, करना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो लोगों की मांग थी, पूरे देश भर की मांग थी कि 370 समाप्त होना चाहिए, 35A समाप्त होना चाहिए, वहां का सर्वांगीण विकास हो, सभी विकास के धारा में पहुंचे, वह 70 सालों से जो लोग मांग कर रहे थे, मोदी सरकार ने 70 दिनों में उस मांग को पूरी की। अब उस पूरी करने के बाद वहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके साथ साथ रोड बनाइए, लोगों को एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के काम के लिए वहां पे पैसा की जरूरत है। इसलिए मैं इस जो सब अप्रोप्रिएशन बिल आए, इसमें मैं समर्थन करता हूं कि जम्मू कश्मीर को यह पैसा जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोविजन, बहुत अच्छा बिल लेकर के आए हैं ये डिमांड। दूसरा लद्दाख की बात, मारो मैं लद्दाख गया था पिछले महीने, और वहाँ पे लेह में जिस प्रकार से खुशियाँ मैंने देखी, उनके बिल्कुल आंख सूख गए थे कि हमारी मांग कभी पूरी ही नहीं होगी। इस प्रकार के सोच चुके थे कि हमारा जो लद्दाख क्षेत्र कभी यूटी बनेगा ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर के साथ रहना नहीं चाहते थे, लेकिन जो उनका सपना था, जो एक तरीके सपना छोड़ चुके थे, कितने साल शासन करने के बाद कांग्रेस तो कभी इस मांग को पूरी की नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने उनको जो मांगे थी 70 साल की, 70 दिनों के अंदर पूरी की। लोग वहां डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, और तो और मैं जब मानवर में वहां के जो पूर्व सांसद, इससे पहले के जो सांसद थे, वहां के राजा हैं, एक कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम में मैं भी था, लोगों ने बताया कि यह तो राजनीति छोड़ चुके हैं। उन्होंने हमारे सामने कहा कि मैं राजनीति छोड़ चुका था, लेकिन जब लद्दाख अलग से यूटी राज्य बन गया तो फिर मैं बीजेपी का सदस्य बन गया। अब जब तक जिंदा रहूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहूंगा, और मोदी मोदी मैं वो कह रहे थे। और मानो इस उम्र में मैं देखा, ठंडी में -4 डिग्री टेम्परेचर था, वो तीसरी बार वहां डांस कर रहे थे, बिल्कुल वहां की जो पारंपरिक कला का था, वह खुद इतने बुजुर्ग बाकायदे इतने प्रफुल्लित थे, वो डांस कर रहे थे। और इस राज्य के अलग से यूटी बनने से क्या लाभ होगा, मान हम हर ब्लॉक की बैठक बुलाए थे, वह संगठनात्मक बैठक थी, बताइए लेह लद्दाख में, लेह में लोग 400-500 किलोमीटर के ब्लॉक से लोग आ रहे, 2-2, 3-3 दिन लग रहा था, या जो 14,000 जो 8,820 करोड़ रुपए दिया गया उसी संबंधित कर रहा हूं। तो मान्यवर इतने मैं कह रहा हूं, इतना खुश थे। अब अगर लद्दाख के लिए अगर इसमें अप्रोप्रिएशन बिल में लिया गया है, तो 400-500 किलोमीटर दूर से ब्लॉक से लोग 3-3 दिन 2-2 दिन लगा करके जो लेह में बैठक करने के लिए आते थे, क्योंकि दो ही जिला, एक लेह और कारगिल, उनको कितनी परेशानी होती थी। अब अधिक जिले बनेंगे, अधिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस खोलेंगे, उनका जीवन के रहन सहन में कितनी उन्नति आएगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जितना अधिक से हो सके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए पैसा दे रही हैं, बहुत अच्छा है और इनको देना चाहिए। तीसरा, मैं 3-4 हेड के बारे में बताऊंगा, 100 हेड है, केवल 3-4 का उल्लेख करूंगा। यह इसमें 4,557 करोड़ इन्फ्यूज इन IDBI थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, एंड 2,005 करोड़ रुपये विल बी यूज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी। आखिर इन बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यह किसके कारण हो गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। 2000 यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकों में लॉस हो रहा है, और लॉस किसके कारण हुआ, मैं भी बहुत पहले, करीब 15 साल पहले मैं भी स्टेट बैंक के बोर्ड पे था, इसलिए मैं जानता हूं कि किस प्रकार से पहले बैंक चलते थे और बाद में किस प्रकार से चले। 2008 में जब ओवरऑल लेंडिंग 21 लाख करोड़ रुपए थी, 21 लाख, तो 2014 में 58 लाख करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया?
जब जीडीपी 4 से 5% यूपीए के समय में चल रही थी, तो इतना बड़ा मिसमैच कैसे हो रहा था कि लेंडिंग पोर्टफोलियो 30%, 20%, 22% बैंक दे रहे थे? इकोनॉमी स्लो डाउन थी, सारे पैरामीटर उसमें निगेटिव थे, करंट अकाउंट डेफिसिट माइनस में था, -4.8, जीडीपी लगातार गिर रही थी, लोगों का विश्वास भारत से उठ गया था, इन्वेस्टर विदेश में जाकर के पैसा लगाने के मजबूर थे, इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन आखिर लोन पोर्टफोलियो कैसे बढ़ रहा था? उसमें फोन बैंकिंग का सबसे बड़ा एक रोल होता था, फोन जाता था, इसको लोन दे दूँ, कंपनियों में लॉस है, इसकी टोपी उसमें घुमाना, कोई एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा, लेकिन पैसा लगातार उसमें 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ कंपनियों को देखते थे, और कैसे अलग अलग उसका नाम दे देते थे, कभी फ्लेक्सी स्कीम, कभी कोई स्कीम, कभी कोई स्कीम, ऐसा स्कीम 2014 तक दिया है, इसलिए क्योंकि उसको एनपीए से बचाया जाए, जिसे बैंक में लॉस न दिखे, और लगातार लोन पोर्टफोलियो इस प्रकार से बढ़ता गया। यह उस सरकार ने पाप किया जो मोदी सरकार उसको धोने का काम कर रही है, इतना बड़ा जो एनपीए आज के दिन में खड़ा हुआ है वो उस सरकार के कारण, यूपीए के सरकार के कारण हुआ है मानवर। इसलिए अभी वित्त मंत्री जी ने जो 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को बोला कि भाई हम तुमको कोई बात नहीं, हमको आपको उठने लगे 70,000 करोड़ रुपए कैपिटल के माध्यम से देंगे, 2.5 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिया, और इस बिल में भी जो पैसा दे रहे हैं वह स्थिति इसी के कारण है, क्योंकि यह जो सब क्रियाकलाप है यह यूपीए 2 के समय जो हुआ उसी के कारण ये सारी स्थिति आई है। मानव बोलने को तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, हमारे सदस्य काफी देर से बैठे हुए हैं, इनको जाना भी है, इसलिए इस बारे में तो मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि मैं वित्त बोलू मैं अब सुनने को तैयार है, मैं बोलता हूँ क्या है, उस समय जो मान्यवर यह सुनना ही चाहते तो अपने अपने समय के सुन लीजिए, किस प्रकार से इकोनॉमी मिसमैनेजमेंट थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी, और आपके समय के जो काम हुए उन काम को जो मिसमैनेजमेंट हुआ आज हमारे वित्त मंत्री उसको सही करने में लगे हुए हैं, और कर भी लेंगे, आप मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, धीरे धीरे करके यह सारी की सारी जो आपकी गलतियां उसको ठीक हो रही है, हो भी जाएगी, इसलिए चिंता करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब सुनना ही पड़ेगा आपको आगे चल करके, उधर से भी होगा, मैडम डिस्पीच ध्यान रखो, हाँ याद कर रहे हो, अच्छे सीनियर हो। अंत में उपसभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने यह अपना जो सप्लीमेंट्री ग्रांट लिया है, और उसके साथ साथ जो जो इकोनॉमी और तेज गति से चले उसके लिए कदम उठा रहे हैं, जब आप सब बोल रहे थे स्लो डाउन की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बात कर, उसके बारे में मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं कि स्लो डाउन है कि नहीं है, ग्रोथ हमारी कैसे होनी चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बहुत देरी लगेगी, उसको फिर मौका आएगा मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं इसके माध्यम से इस जो सप्लीमेंट्री बिल है इसका समर्थन करता हूँ, यह पास होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।